चलिए दोस्तों, आज हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आए हैं आलू के पराठे, फ्रेश दही है और ये सूजी का हलवा है ना। अभी चलिए अब हम इसको हम खा के दिखाते हैं आपको ये हमारा हलवा कैसा बना है और खाना कैसा है। चल प्ले करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हलवा खा के दिखाते हैं। हलवा बड़ा ही स्मूथ लग रहा है, बहुत अच्छा है। इसमें काजू और बादाम डाले गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट है सूजी, ऐसी लग रही मुंह में डालते ही घुल गई है। ये क्यों बन गए थे हैं? अभी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, हलवा इतना टेस्टी है कि मेरे को दूसरी बाइट खाने का मन कर रहा है, तो अब मैं दूसरी बाइट खा के दिखा रहा हूँ आपको। हलवा इतना स्मूथ है कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल रहा है। अब आपको हम दही खा के हैं, आलू के पराठे के साथ इसका दही खा के दिखाते हैं। ये हमने आलू का पराठा तोड़ा तोड़ा, इसमें दही में हमने जीरा डलवाया है, जीरा और नमक डाला ताकि दही का टेस्ट और अच्छा हो जाए। अभी पहले हमने सारा दही और ये मिला लिया है। अब हमने ये दही के साथ इस पालू का पराठा लिया और हमने ये मुंह लिया। आलू के पराठे में प्याज भी है, तो प्याज से आलू के पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, वेरी टेस्टी। और गांव में खाने में सबसे अच्छा मज़ा क्या है, आपको यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। दही दिखेगी, दही दिखेगी, दही कितना फ्रेश है। ये देखिए लस्सी, अब हम आपको लस्सी पी के दिखाएंगे। मैं जब भी गांव में आता हूँ तो दही और लस्सी की स्पेशल डिमांड करता हूँ। लस्सी इतनी टेस्टी है कि मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है, इसमें सारी पी जाता अभी, लेकिन मेरे को आपको दिखा रहा था इसमें मैं बीच में रुका हूँ। चलिए अब फिर से पराठा खाते हैं। अगर आप भी अगर कभी किसी अपने गांव में जाए तो वहाँ पे आलू के पराठे दही के साथ की डिमांड करें, बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू, अभी मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है, अब मैं इसको खा के फिनिश करता हूँ।